Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 25 of our lockdown vocab series. In this video, I'm going to teach you 5 valuable, very important words so that you the wonderful people become more expressive, understand the things in a far better way. This is the whole so intention of my BDUs. यार तेरे को ग्रामर बहुत अच्छी तरह, तेरे को रूल्स वूल्स जो भी है थोड़े मोड़े आते हैं, लेकिन तेरे पास वर्ड्स ही नहीं है तो उस ग्रामर का कोई यूज़ ही नहीं है मेरे को। मैं हिंदी फटाफट क्यों बोल पा रहा, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स है। जो भी मैं चीज़ें बोलना चाहता हूँ उसके लिए मेरे पास एक वर्ड्स है। एंड मोर ओवर मदर, यू नो व्हाट, हिंदी इज़ माई मदर टोन, सो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता। और इंग्लिश एक लैंग्वेज जिसको हमने अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो या कोई भी हम लैंग्वेज सीखते हैं या कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमें डिफ़िकल्टी तो आती ही है ना। तो इसी तरह इसमें भी है यार, तेरे को ग्रामर आता है लेकिन तेरे पास वर्ड्स नहीं है, तो वर्ड्स डज मैटर यार। तो वर्ड्स की वैल्यू को समझो, वर्ड्स को रिमेंबर करो, इसलिए मेरी वीडियोज़ को वॉच करो, क्योंकि मैं बहुत ईजी आसान भाषा में एग्जाम्पल दे के, रियल प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, जिससे कि तुम्हारा भेजा लाइट रहे और तुम ब्राइट रहो। राइट, सो दिस इज मी, वेलकम यू ऑल, एंड हियर वी गो। द फर्स्ट वर्ड इज व्हाट, क्रेडिबिलिटी। ये वर्ड यार क्रेडिबल से बना हुआ है, यू नो तुम बहुत इस वर्ड को बहुत सुनते हो यार, और मतलब तुम्हारे पेरेंट्स भी यूज करते हो यार, ही इज़ नॉट ए क्रेडिबल पर्सन और सी इज़ नॉट ए क्रेडिबल पर्सन, उसके साथ मत रहा कर, वो एक क्रेडिबल फ्रेंड तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, ही इज़ ऑलवेज रोम हेयर एंड देयर दिस और दैट। सपोज तेरे को एक सिक्योरिटी गार्ड रखना है, तेरे को सिक्योरिटी गार्ड रखना है यार, तो तू पहले उसकी क्रेडिबिलिटी तो चेक करेगा ना, कि तू उस पर ट्रस्ट भी कर सकता है कि नहीं। पता चला वो तेरे ही मर्डर करते, तेरे को सिक्योर करेगा, इज़ गोइंग टू बी मोर लेथल, व्हाट। एनीवे, सो तू उसके क्या करेगा यार, उसके बारे में थोड़ा सा पता करेगा, थोड़ी उसकी जहाँ भी उसने वर्क किया है वो देखोगे, उसकी डिग्रीज जो भी, व्हाट एवर द थिंग्स पॉसिबल फॉर यू टू चेक, चेक अबाउट हिम और हर, यू विल डू इट, राइट, इज़न्ट इट। सो तुम करोगे यार, तो व्हाट बेसिकली तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बेसिकली तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसकी तुम क्रेडिबिलिटी चेक करना चाहते हो, हाउ क्रेडिबल दैट पर्सन इज, हाउ मच यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन, दिस इज व्हाट, दिस इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबल वर्ड से बना हुआ है क्रेडिबिलिटी, राइट। क्रेडिबल, आई एम ए क्रेडिबल गाय, आई मीन दिस वीडियो इज़ अ वेरी क्रेडिबल वीडियो, आई मीन यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस वीडियो बिकॉज आई हैव रिसर्च, आई नो हाउ आई कैन टीच यू इन अ फार बेटर वे, राइट। सो दिस इज़ अ क्रेडिबल वीडियो, इज़न्ट इट। सो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं। सेकेंड वर्ड इज डिसेंट। क्या मतलब होता है यार? अभी यार मेरे फादर हैं, मेरे फादर के भी फादर है, या तुम्हारे फादर है, तुम्हारे फादर का भी फादर है, तुम्हारे फादर के जो फादर हैं उनसे तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है क्या? ऑफकोर्स है, इसी को तो हम वंशवाद कहते हैं ना, ब्लड रिलेशन होता है, एंसेस्टर्स हैं तुम्हारे, राइट, इज़न्ट इट। तो इसको ही हम कहते हैं, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं द वर्ड डिसेंट। इसका एक और मतलब होता है, मान लो तुम यार काम 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 करके पक चुके हो, थोड़ा सा रिलैक्स चाहते हो, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा इन टाइम स्पेंड कर रहे हो, थोड़ा सा हैंग आउट कर रहे हो, घूम रहे हो, और सडनली क्या हुआ, बहुत सारे सेल्स आ गए, नो ओ मैन व्हाट टू डू, यू टोटली बैफर्ड, व्हाट टू डू, राइट। सो तुम यह समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो ये क्या एक अनप्लीजेंट सिचुएशन है, एक हॉरिफाइंग सिचुएशन है, एक बैड एक्सपीरियंसेस है। तो इस सेंस में भी तो हम यूज़ करते हैं ना डिसेंट वर्ड का, राइट। थर्ड वर्ड इज प्रीक्लूड। प्रीक्लूड क्या मतलब होता है यार इसका? प्रीक्लूड का मतलब होता है, अब तुम एग्ज़ाम, अब मान लो तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो तो क्या हो रहा है, तुम सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं, तुम्हारे 2 पेपर हो चुके हैं और तीसरा पेपर चल रहा था, तुम बहुत लेट सोए थे और बहुत लेट, थोड़ा सा लेट हो गया, आधा घंटा तुम लेट हो चुके हो, अब तुम्हें जो गेट कीपर है ना वो तेरे को अलाउ ही नहीं कर रहा है, अलाउ ही नहीं कर रहे, तो तुम क्या करोगे यार, प्रॉब्लम तो होगी ना, तो प्रॉब्लम होगी, मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी
obnoxious for you, very dangerous for you, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम में तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे, फिर तेरे को बैक आ जाएगी, उसका फिर से एग्ज़ाम देना, प्रिपरेशन करना, nobody likes, right? सो क्या होगा, तुम क्या करोगे, फिर उससे रिक्वेस्ट करोगे प्लीज़ मेरे को जाना, लेकिन वो जो शॉपकीपर तुम्हें प्रिवेंट कर रहा है, तुम अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। मोर ओवर उसने HOD, प्रिंसिपल्स और दूसरे जो टीचर्स होते हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ होती है इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे भी कॉल कर दिया, ये बंदा मान ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा है। वो और इतने बंदे आ गए, अब तो तुम्हारा जाना नामुमकिन है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ प्रीक्लूड, प्रिवेंट करना एंड मेक इट इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन और एनीथिंग, राइट? सब तुम्हारा ड्यू थिंग कि तुम एग्ज़ाम दे सकते हो, जब हायर अथॉरिटीज़ भी आ गई है, HOD आ गया है, टीचर्स आ गए हैं, हाफ एन आवर तुम ऑलरेडी लेट भी हो, यू आर ऑलरेडी इन ट्रबल। सो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं क्या, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं प्री क्लियर, राइट? फोर्थ वर्ड इज ओपीरोज। ओपीरोज क्या मतलब होता है यार, क्या मतलब होता है ओपीरोज? आई एम ए ओपीरोज पर्सन, क्या लिखते हैं ओपीरोज? मतलब होता है एक इंसान बहुत डिलीजेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत लेबोरियस है, बहुत परिश्रमी है। परिश्रमी इज़ राइट वर्ड, राइट इन हिंदी इज कॉल्ड बहुत। अब तुम यार मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रिपरेशन चल रहा है, बहुत तुम डिलीजेंटली प्रिपेयर कर रहे हो, इन दिस सेमेस्टर आई जस्ट वॉन्ट टू टॉप इन माई इंस्टीट्यूशन, इस तरह का तुम्हारे, तो उसके लिए तुम्हें डिलीजेंटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेबोरियस वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें थोड़ा टाइम भी देना होगा, बहुत मेहनत करना होगा, और एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन तुम्हें तो ज़्यादा टाइम देना ही होगा ना। तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं, इस सेंस में नहीं, इसका यही मतलब ही होता है ओपी रोज, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड इज स्लम्प। अभी COVID-19 से भी पहले हमारी इंडिया की GDP प्रोडिक्ट की जा रही थी 4-4.5 अराउंड, एंड दैट इज़ हॉरिबल, अ कंट्री वेयर सो मच ऑफ पॉपुलेशन 4-4.5, ऑब्नॉक्शियस। तो अभी उस अपने होता है गरीबी में आटा गीला कैसे हो गया, कोविड 19 आ गया। तो यार इट्स लाइक कि यार व्हाट टू डू मैन, ऑलरेडी हम इतना सफ़र कर रहे थे, इतना ऑलरेडी जॉब अनएम्प्लॉयमेंट था, और अनएम्प्लॉयमेंट नाउ वी आर नॉट एट द सिचुएशन टू फेस ऑल दिस, एंड वी आर नॉट यू नो इन द सिचुएशन टू स्टैंड बाय ऑन दिस अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? तो इसका क्या मतलब है यार, इसका मतलब ये है कि अब जैसे वैल्यू घट जाना, सेल घट जाना, प्राइस घट जाना ड्रास्टिकली इज कॉल्ड व्हाट, स्लम्प, राइट? इस सेंस में हम यूज़ करते हैं वैल्यू घट जाना, लाइक अब रिटेल सेक्टर या क्या बोलते हैं ज़मीन वगैरह भी अब जैसे, हाँ बहुत अच्छा एग्जाम क्रूड ऑयल देखो, क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल की वैल्यू कितनी घट गई है, उसकी प्राइस मतलब नेगेटिव में चली गई थी, अभी फिर से थोड़ी बैलेंस हुई है, लेकिन अभी भी बहुत चीप मिल रहा है। हमारी जो इंडिया की कंट्री है उसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरिंग कैपेसिटी है, दैट इज़ 39 मिलियन बैरल है, जापान की 250 है, चाइना की 230-20 ऐसा ही है, तो समझ लो जहाँ पे 230-40, USA की 300 मोर है, मतलब तो वहाँ पे इतनी स्टोरेज कैपेसिटी, और हमारी कंट्री जहाँ इतनी बड़ी है, जस्ट 39 मिलियन बैरल, हॉरिबल इजंट इट? तो अभी क्रूड ऑयल की क्या हो रही है, स्लम्प हो गया, प्राइस भी स्लम्प हो गया, वैल्यू भी स्लम्प हो गया है, और इसकी सेल्स भी तो स्लम्प हो गई है ना। तो ये एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है राइट नाउ एज फार एज द वर्ड स्लम्प इज कंसर्न, राइट? आई होप यू गॉट इट, इफ़ यू रियली गॉट इट लाइक तो बनता है ना ब्रो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट to refrain yourself from COVID-19 and all. Yeah, anyway, but yeah, subscribe, please. Have a great day.